डॉक्टर विनय कुमार झा एमएलएसएम कॉलेज के नए वर्षर नियुक्त हुए। नियुक्त होने के बाद इन्होंने महाविद्यालय में अपना योगदान भी दे दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन सहित कई शिक्षकगण उपस्थित थे। सभी ने मिलकर इन्हें बधाइयाँ दी और इन लोगों ने कहा कि महाविद्यालय का विकास में हमसे जो मदद होगा, हम लोग बरसर को करने के लिए तैयार हैं। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। महाविद्यालय में संस्कृत के अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। अभी जो ऑनलाइन वर्ग चल रहा है, इसमें संस्कृत के शिक्षक होते हुए भी विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। पहले महाविद्यालय से लेते थे, अब घर से ले रहे हैं। जबकि विज्ञान वाले बहुत सारे शिक्षक उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है इनके लिए। क्या विकास होगा इस महाविद्यालय का? आज मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि माननीय कुलपति ने मुझे एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में बरसर के पद पर नियुक्त किया है और ऐसे जगह मुझे काम करना है जहाँ पर माननीय प्रधानाचार्य प्रेम मोहन जी एक ऐसे वैज्ञानिक भी हैं और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचा चुके हैं और महाविद्यालय को भी ये बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचाएंगे। यहाँ मुझे भेजा है, मैं इस कार्य को पूर्ण रूप से उनके साथ एक साथ मिलकर काम करूंगा। और सर आप अध्यक्ष हैं इस महाविद्यालय के और शिक्षक बने हैं यहाँ बरसर, क्या कहेंगे? अभी हमको जानकारी मिली है कि माने बरसर हो गए, नियुक्त हुए हैं। आज इन्होंने अपने कक्ष में प्रभार ग्रहण किया है, तो हम लोगों को सूचना इन्होंने दिया तो हम आए। ये संस्कृत के तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ही, अच्छे टीचर भी हैं, काफ़ी दान भी करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि इनके आने से महाविद्यालय में काफ़ी तेज़ी से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, जो है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और महाविद्यालय जो बी प्लस है ए प्लस पर आएगा, ऐसा हम कामना करते हैं। नैक के द्वारा उनको भी हम साधुवाद देते हैं। महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रिंसिपल बने, वरिष्ठ शिक्षक बरसर बने, राजपाठ बदला है, कैबिनेट के प्रथम परिवर्तन हो गया। हम प्रिंसिपल और बरसर साहब से उम्मीद करेंगे कि अन्य सभी कैबिनेट का सरकार बदल भी रिफॉर्म किया जाए ताकि कॉलेज का विकास हो।